सर दर्द और चक्कर ने हमारी जान ही निकाल दी थी। ठीक हुई। शकील अहमद इनका नाम है, बहुत ही पॉपुलर शॉप है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ जम्मू और मेरे बड़े भाई उनका फंक्शन है वहाँ पर। नाज़रीन, दो गाड़ियाँ हमारी जम्मू की तरफ रवाना हो रही हैं, दुआओं में याद रखना। 260 किलोमीटर हमारे बनी से जम्मू का सफर है। सफर का आगाज शुरू हो चुका है। जहाँ भी मुझे अच्छी व्यू लगती है मैं जरूर वीडियो शूट करूँगा। छोटी गाड़ी हो या बस हो, मुझे कभी उल्टी या चक्कर वगैरह नहीं आता है। मुझे पहली बार ऐसा हो रहा था, सर में बहुत दर्द था, चक्कर वगैरह था। मैं बसोली का अटल पुल भी नहीं दिखा सका, कोई पता नहीं चला कि वो पुल पीछे रह गया या आगे है। आंख खुली जैसे मैं सपना देख रहा था। सचमुच हमारी गाड़ी महदोपुर के पुल के ऊपर से क्रॉस हो रही थी। पुरानी यादें ताजा हो रही थी मुझे। मेरे कानों में इतनी आवाज सुनाई दे रही थी कि पल्ले ले लो, पल्ले ले लो। इसका मतलब ये था कि हम लखनपुर में पहुंच चुके हैं। मुनासिब समझा कि हटली में पहुंचकर गाड़ी में तेल डलवा कर आगे बढ़े, क्योंकि सफर बहुत ही लंबा। ऐसा चक्कर किसी को गाड़ी में न आए। जिस वक्त हमारी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट सांबा को क्रॉस कर रही थी, उस वक्त थोड़ा सा हमें दर्द और चक्कर में थोड़ा राहत पहुंच रही थी। फाइनली हम नाज़रीन ठंडी खोई में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्वीट्स वगैरह बनती हैं। अभी इन्होंने हमें स्वीट्स वगैरह चेक करवाई है। जो तो स्वीट है बर्फी वगैरह बहुत ही पॉपुलर हमारे जम्मू में है, तो मुझे आज मुश्किल से यहाँ पर मौका मिला कुदरती, और हम यहाँ पर रुके हैं। चाय बना रहे हैं। कैसे कप चाहिए? बर्फी बना रहे हैं? किस चीज की बना रहे हैं? खोए की। खोए की प्योर दूध होता है। क्या रेट है इसका? 360। 360 केजी। ठंडी खुई में पहुंचकर मुनासिब समझा कि यहाँ पर मजेदार पकौड़े और गरम गरम चाय का मजा लें, साथ में चटनी का पानी है वो पूरा मैंने पी लिया। थोड़ी सी मुझे राहत मिली और आंखें खुल गई। इन्होंने हमारे सामने रखी है प्योर बर्फी,
ठंडी खुई, शकील अहमद इनका नाम है, बहुत ही पॉपुलर शॉप है, अभी चाय वगैरह यहाँ पर, एस एस स्वीट शॉप। ये हमारे नायब साहब मेरे बड़े भाईजान, तो हमारे रिलेटिव हैं शकील अहमद जी, वैरायटीज आ चुकी हैं। सामने जो है शकील अहमद हाजी साहब, सर ये कब खोली है आपने स्वीट्स की शॉप? 15 साल हो गए। यहाँ तो बहुत जबरदस्त भीड़ है, आखिरकार इस बर्फी में है क्या? लोग खासकर इस जमाने में चाहते हैं कि प्योर चीज कहाँ मिले, वो आप बनाते हैं आप? यहाँ कितनी वैरायटीज स्वीट्स की बनती है? एक ही बर्फी बनती है, मगर यहाँ खरीदने वाले बहुत आते हैं। नाज़रीन, ये हाजी साहब है, इनकी शॉप है। कभी भी अगर आपको मौका मिलता है जरूर आएं और इसका टेस्ट लें बर्फी का। सर दर्द और चक्कर ने हमारी जान ही निकाल दी थी। मेरे बड़े भाई ने एक रिटायरमेंट पार्टी तहसील बनी में दी, दूसरी पार्टी डिस्ट्रिक्ट जम्मू सैनिक कॉलोनी में, उसकी कवरेज भी मैंने करनी थी। कंजवानी बाईपास, फाइनली मैं जम्मू में पहुंच चुका हूं। जम्मू में पहुंचते ही हमारे सामने किस्म किस्म के पकवान आ गए, मगर हमारा दिल नहीं मानता था कि हम खाना खाएं। नाज़रीन, सुबह सुबह हम जम्मू में ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं। हमारे रिलेटिव हैं हिमाचल से, और हिमाचल से हम काफी प्यार भी है बहुत। सर आपका नाम? माय नेम इज अन गुलशाद। ठीक, आप हमारे बनी वैली में भी रहे हैं, क्रिफ में एज ए जेई। थैंक यू, आप ब्रेकफास्ट का मजा लीजिएगा, बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे हिमाचल के मेहमान आए हुए हैं, रिलेटिव हैं। अभी मुझे मौका मिला इनके साथ बातचीत करने का, तो ऐसे भी मुझे हिमाचल के साथ बहुत प्यार है, लगाव है, तो ये सामने बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट भी किया है। बकलव के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा, मशहूर पॉपुलर जगह है। कल बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाली है, उसकी कवरेज भी मैं करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कमेंट्स भी करेंगे, लाइक्स भी करेंगे और अच्छी तरह इस वीडियो को वॉच भी करेंगे। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक शुक्रिया, खुदा।